हमार विंध स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, अपना पंच देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। खबर रीवा के नई गढ़ी थाना क्षेत्र से हबे, जहां अपना को बताया दी के सालन से चोरी के घटना नई गढ़ी में हो रही हबे। पयाबा तक नई गढ़ी पुलिस से एक उठे चोरी के खुलासा नहीं कह सकी, जहां दरकी पुनी के 8 मई रविवार का ही रात में सगरवार खुरमियान दुबेश पटेल के घरे माही दीवार फोड़ के चोरी भय। तब है बरहा गांव के राज नारायण द्विवेदी के घरे का घलाए चोर अपन निशाना बनाए। सलगे मामला माही नई गढ़ी के जनपद उपाध्यक्ष निपेंद्र सिंह पिंटू पुलिस प्रशासन के ऊपर गंभीर आरोप लगाएं और का कहिन अपनो सुनी। इन दिनों ही नहीं, इन दिनों थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गई हैं, लगातार चोरी की घटनाएँ नई गढ़ी क्षेत्र में हो रही हैं। और पिछले 7 वर्षों से मैं खुद देख रहा हूं कि नई गढ़ी पुलिस ने एक भी चोर को गिरफ्तार नहीं किया, ना कि और ना ही चोरी का खुलासा किया। कुछ मामले में ऐसा भी होता है कि जिनके यहाँ चोरी होती है उनके द्वारा संदेहियों का नाम भी बताया जाता है, पुलिस उन संदेहियों से कड़ाई से पूछताछ और उन्हें थाने लाना भी उचित नहीं समझती। पुलिस पूरी तरह से मस्त है, वो केवल वसूली में लगे हुए हैं। वो दिन भर ढूंढते हैं कि कोरेक्स कौन बेच रहा, शराब कौन बेच रहा। रीवा के राजनिवास माही रेप कांड के मामला माही अब तक 9 आरोपी पकड़े जा चुके। मुख्य आरोपी जे के कहे पर राजनिवास के कमरा नंबर 4 अलॉट करावागा और जे वह कमरा अलॉट करवाई वो पर आज तक कार्रवाई नहीं भय, जेके चलते अब जनता वो दोषीन के नाम जाने चाहती है। वह रेप कांड के शुरुआई से विरोध कराए वाली आप पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद शर्मा प्रशासन से मामला माही सीबीआई के जांच के मांग करी नहीं भाई। अतने नहीं 10 मई का ही कलेक्ट्रेट का घेराव करे के बाद घलाए कही नहीं भाई। अपना का बताई दई के समदरिया बिल्डर के बुलावे माही कथावाचक सीताराम रीवा पहुंचे रहा, जे सर्किट हाउस माही अपने दूसरे साथिन के साथ मिलके किशोरी का शराब पिलाए के दुष्कर्म के वारदात का अंजाम दे रहा है। जेके बाद आरोपी के सहयोगी और आरोपी लाखन के पीछे हमा आई सुनाई थे आप पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद शर्मा का कुछ मांग कह रहे हमा। रीवा जिले के समस्त मतदाताओं को और समस्त प्रेस वालों को के लिए जो है ये हमारे जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से जिला इकाई रीवा की तरफ से एक संदेश जारी कर रहे हैं कि आने वाले 10 मई को जो है राजनिवास में जो कांड हुआ था उस कांड के में जो है जिस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका जिनकी थी सुनिश्चित नहीं की गई थी तक पिछली बार आज से एक महीने पहले जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने शुरू से हवाल उठाई है, 9 लोगों की गिरफ्तारी करवाई है इसमें, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी किस अधिकारी के द्वारा उस कमरे को जो है अपराधी के नाम पर कराया गया और किस नेता या किस पार्टी के लीडर हेड से जो है अनुशंसा से उस कमरे को अनुशंसा की गई इनको देने के लिए ये बात जो प्रशासन ने खुलकर भी नहीं बताया है। इसी विरोध में आम आदमी पार्टी वापस जो है एक महीने का अल्टीमेटम दिया था, उसके बाद जो है आम आदमी पार्टी 10 मई को सुबह 11 बजे कलेक्ट्रेट का घेराव करेगी और अनिश्चितकालीन धरने के सामने टेंट लगाकर वहाँ बैठेगी। इस बात को जो है हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी प्रेस वालों को और समस्त रीवा जिले के सभी मतदाताओं को कि आम आदमी पार्टी जो है यहाँ पर जिस प्रकार का मुख्य विपक्ष की भूमिका में है उसको लेकर हम लोग का 10 मई को कार्यक्रम है। आप सभी लोगों से विनम्र विनती है कि संदेश को जो है जन जन तक पहुँचाएँ ताकि ये जो लड़ाई है ये आम आदमी पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई जो है रीवा जिले के समस्त लोगों की लड़ाई है। जो लोग चाहते हैं कि जब यहाँ पर 9 अपराधी जो गिरफ्तार हुए तो प्रशासनिक अमला इसमें क्यों बच रहा है उसको जो है उनके ऊपर जिम्मेदारी तय करने की जरूरत है। इसी बात को लेकर ये आपका वीडियो है हम आपकी तरफ जो है जारी कर रहे हैं। धन्यवाद। सिमरिया के अटरिया गांव के रहने वाले गौ सेवक प्रशांत महाराज अपने साथ कीन मारपीट और गाली गलौज कले के प्रशासन से मदद के गुहार लगाई है भाई। गौ सेवक प्रशांत महाराज बताइन कि पूर्वा रोड माही बसामन मामा गौशाला के निरीक्षण करे के रहे, जहां अव्यवस्था कले के उ वीडियो बनावे लगे। ऐसे बिगड़ के गौशाला के कर्मचारी डॉक्टर शुक्ला और अध्यक्ष गौतम उनके साथ गाली गलौज कह के लाते और घूसन से पिटाई करें, जे माऊ बुरी तरीके से घायलों भे। पीड़ित यह बताएं कि पिटाई कई के सेमरिया विधायक केपी त्रिपाठी और रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला के नाम के धौस दिखाई के आरोपी उनकर कुछ न बिगाड़ ले के धमकी दीन, जेके बाद रिपोर्ट दर्ज कराई गई पे आज तक की मामले में ही कौनो मेर के कार्रवाई नहीं भय, जेके कारण अब आरोपी के हौसला बुलंद हमा। आई सुनाई थे पीड़ित गौ सेवक का जो न्याय की उम्मीद माही दर दर भटक रहे हमा। घटना 6/5/2022 और मैं 11 बजे गौशाला पूर्वा रोड में बना सावन मामा के पास वहाँ पहुँचा हूँ और वहाँ अंदर जाने नहीं देते रहे थे, बोले बुलाऊ नहीं है किसी को। मैं गाय लेने गया था वहाँ, एक गाय सेवा करना चाहता हूँ। पहुँचा जब वहाँ तो एक कर्मचारी आए तो कर्मचारी के साथ मैं भी अंदर चला गया, वहाँ कोई नहीं था, एक डॉक्टर हैं गौतम करके
उनके पास जब पहुंचा वहां बातचीत वीडियो बनी पूरी, वहां देखा मैंने कि गाय मर रही है। 3 दिन से बोले पानी नहीं मिला, कर्मचारी बताए 3 दिन से लाइट नहीं है, जगलेटर है तो उसमें डीजल नहीं है। मैंने बोला कि ये कौन करता है कौन देखता है, बोले हमारे ये विधायक जी राजेंद्र शुक्ला जी देखते हैं। और फिर मैंने वीडियो बनाना शुरू किया जब, तो उन्होंने मेरे से ताला बंद करवा दिए, अंदर करवा दिए। 100 नंबर फ़ोन लगाना चाहा तो मेरा मोबाइल छीन करके, जब गौतम जी आए अध्यक्ष वहाँ के जो हैं, वो गौतम जी जब पहुँचे तब फिर वो ताला खोलें, और ताला खोल करके फिर वो वीडियो मेरी बनाने लगे। और मेरे बोलते हैं आप लोग जैसे ढोगी बाबा इधर भागते रहते हैं, रोज़ आते हैं, मेरा कुछ नहीं कर लोगे, कुछ नहीं उखाड़ोगे, मेरे नेता मेरे सब रिश्तेदार हैं, ऐसा बोल करके बोले आप अगर FIR करोगे तो वहाँ भी आपको मरवा दिया जाएगा। मेरे साथ हाथापाई भी किए, इसका सब ये आवेदन में लिखा हुआ है, ये सब रिपोर्ट है, मेडिकल है, और कोई कार्रवाई नहीं। आज 5 दिन हो गए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रशासन महोदय से निवेदन है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से निवेदन है, सभी से निवेदन है, गौ सेवा की सनातन धर्म की रक्षा करें और हमारी मदद करें, यही प्रार्थना है। गाय तो वहाँ कई सारी दफनाई हुई हैं, JCB से जो मरने लगती हैं गाय उनको दफना देते हैं, माटी डाल देते हैं ऊपर से। यहाँ आप लोग उसका जब निरीक्षण करेंगे कहां आपने शिकायत की है? जी कहां कहां शिकायत की है इसकी माँ से? ये शिकायत यहाँ भी SP साहब को दिए, कलेक्टर महोदय को भी देना है जा करके, और रीवा सिमरिया थाना में भी दिए हैं। सिमरिया थाना पहले गए तो जब तक TI साहब नहीं बोले तब तक वो कर ही नहीं रहे थे, वहाँ के जो SI लोग हैं वहाँ नहीं करे हमारी FIR। और हमारे साथ सुरेश मिश्रा जी थे, अशोक सिंह जी हैं पूर्वा के, वो देखने वाले हैं, कर्मचारी थे वहाँ के देखने वाले, हमारे साथ हाथापाई भी किए। और बुरी SP साहब से मिले आप? जी SP साहब से मिले, SP साहब बोले हैं मैं अभी फ़ोन लगाता हूँ और कार्रवाई होगी, आप परेशान ना होइए, कोई नेता मुख्यमंत्री नहीं है। कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं वैसे रहता हूँ हैदराबाद में, रामानुजाचार्य आश्रम स्टैचू ऑफ क्वालिटी में, ग्राम मेरा जन्मभूमि अटरिया है, वहीं बसान मामा के पास जी। तो यहाँ कैसे? यहाँ मैं अभी आया था, श्रीमद् भागवत कथा हमारी चल रही थी हरदुआ में सिमरिया में, उसी कारण आया था। तो वहाँ अध्यक्ष अजय शुक्ला जी है कांग्रेस पार्टी से, तो उन्होंने बोला हमको एक गाय चाहिए, तो उन्होंने बोला वहाँ जाकर बात करा दीजिएगा, एक गाय आपको सेवा के लिए मिल जाएगी। वहाँ जब पहुँचा तो ये कहानी बन गई हमारे साथ। रीवा माही नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा में आयुष्मान भारत निरामय योजना के लाभ मिला लाभ, जहां आयुष्मान कार्ड धारिन के मुफ्त में इलाज की जाये। यह योजना शहर के सर्व सुविधा से संपन्न नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा में मिला लाहिबे, जहां नेशनल हॉस्पिटल में ही लेजर, कैंसर रोग, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी और प्रसूति रोग के अनुभवी चिकित्सक उपचार करी है। आई अपनों को सुनाई थे मरीजन का ही जे यहाँ उपचार कराई के योजना के लाभ ले ला। एक साथ है अपना का सुनाओ डॉक्टर अखिलेश पटेल, संचालक नेशनल अस्पताल का, कि उसलगे मामला में ही का कह रहे हैं और कौन मेर के सुविधा अस्पताल में दीन जा रही है उकर जानकारी दे रहे हम। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, संचालक नेशनल हॉस्पिटल। नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा न्यू बस स्टैंड रीवा में स्थित है। नेशनल हॉस्पिटल का उद्देश्य है गरीब तबके के लोगों का इलाज करना। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने नेशनल हॉस्पिटल पे आयुष्मान जैसी सरकार की सबसे बड़ी योजना को लॉन्च किया है। इस योजना के अंतर्गत हमने मेडिसिन, सर्जरी और आर्थोपेडिक से संबंधित सभी बीमारियां जो इस पैकेज में शामिल हैं उसमें हम मरीजों का, जिनके पास भी आयुष्मान कार्ड है, उसका संपूर्ण निशुल्क इलाज किया जाता है। इस इलाज में मरीज का रहने का, मरीज की दवाइयां, मरीज की जांचें, सीटी स्कैन, मरीज का ऑपरेशन, ICU का खर्चा एवं खाने की भी व्यवस्था पूरी तरीके से निशुल्क रखी गई है। तो आयुष्मान से मरीज इस संस्था में मेडिसिन, सर्जरी और ऑर्थोपेडिक में लाभ ले सकते हैं। दूसरी योजना है मुख्यमंत्री सहायता योजना। जिन भी परिवार के पास इसमें आयुष्मान कार्ड धारक नहीं है एवं गरीबी रेखा की श्रेणी में आते हैं, वो भी इस अस्पताल में भर्ती होकर के मुख्यमंत्री सहायता योजना का लाभ ले सकते हैं। तीसरी बड़ी बात, इस अस्पताल में हमने रीवा में पहली बार कैंसर से संबंधित सारे ऑपरेशन एवं उससे संबंधित कीमो का इलाज आरंभ कर दिया है। इसके लिए भी विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाएं एवं अनुदान के द्वारा एवं सहायता के द्वारा इसमें ऑपरेशन किया जाता है।
साथ ही साथ इस अस्पताल में मल्टी स्पेशलिटी कार्य जैसे गायनी, पीडियाट्रिक जिसे हम बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ बोलते हैं, यूरोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, कैंसर सर्जरी, अस्थि रोग विशेषज्ञ, ये सारे समय समय पे उपलब्ध रहते हैं तथा इनसे संबंधित समस्याओं का इलाज किया जाता है। धन्यवाद। बुलेटिन की अगली खबर सेगरौली से है, जहां बीजेपी नेता नगर निगम के अध्यक्ष के भाई का शराब की दुकान में ही पैसा के लेन देन के चक्कर में उनके ऊपर प्राण घातक हमला कर के घायल कर दी, जिसके बाद पीड़ित अस्पताल में ही भर्ती हम। अपने को बताई दी कि भाजपा के नेता और निर्वर्तमान नगर निगम अध्यक्ष चंद्र प्रताप विश्वकर्मा के सगे भाई का शराब के दुकान में ही पैसा के लेन देन में लय के दुकान के कर्मचारी जम के मारे, जिनका सिगरौली के ट्रामा सेंटर में भर्ती की गा है। वह पुलिस आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास के साथ है कई धारा में ही मामला पंजीबद्ध करके आरोपी के तलाश शुरू कर दी है। कल रात्रि करीब 9:30 बजे के लगभग फरियादी छोटे लाल विश्वकर्मा अपने भाई के साथ आया था। ये बताया कि शराब लेने के लिए गए थे और शराब के पैसे लेन देन के संबंध में विवाद हुआ था, जिस पर शराब के भट्टी के जो कर्मचारी हैं सेल्समैन, उसके बाद दो और आदमी डंडे से मारपीट किए थे, चोट लगा था उसको, चोट आया था, जिस पर उसके सूचना में छोटे लाल विश्वकर्मा की सूचना में जो सेल्समैन है तो उसके और आदमी विरुद्ध धारा 294, 323, 506, 307, 34 IPC का अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और उसको मेडिकल के लिए छोटे लाल फरियादी को भेजा गया है। सब पीड़ित की स्थिति अभी क्या है? अभी तो समान है फिलहाल। हाँ, आरोपियों की पता तलाश लगातार की जा रही है, कुछ फरार है, कुछ एक आध दो पकड़ाए भी गए हैं, तो विवेचना का विषय है, विवेचना के दौरान आएगा कि किस बात को लेकर लड़ाई हुआ था। सिगरौली जिला में ही चलाए वाली NCL के कोयला खदान में ही स्थानीय नेता और वहां के आउटसोर्सिंग कंपनी के बीच में ही अब वर्चस्व के लड़ाई शुरू हो गई है। कंपनी में दबाव बनावे खातिर दोनों पक्ष एक दूसरे से मारपीट करे में उतारू हमा, ऐसे मामला समूह आवा इतवार का, जहां देर रात के कंपनी और स्थानीय कर्मचारी जम के मारपीट करें, मारपीट में ही 4 जने घायल हो हमा। अपना को बताई दी कि खदान माही आउटसोर्सिंग में काम करे वाले कंपनी PC पटेल के कर्मचारी के संगे नवा नगर इलाका माही देर रात बीच सड़क माही गाली गलौच और मारपीट के आरोप लागत ला हवे। आरोप यमे हवे के भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता आउटसोर्सिंग कंपनी में अपने आदमी का काम में लगावे के दबाव बनावल ला जोने के चलते सलगा विवाद भा। आई अपनों को सुनाई थे PC पटेल कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर का, साथ है भाजपा नेता का कि दोनों जने सलगे मामला माही का कह रहे हैं, एक साथ है नवा नगर थाना प्रभारी राघवेंद्र द्विवेदी के बात सुनी, सलगे मामला माही का जानकारी दिन जाला ही बे। मैं इस घटना के बारे में, मैं वहां पर था नहीं, मैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैं अभी आया हूं और इसकी जो जानकारी मिलेगी मैं सुबह तक आपको बताऊंगा। अंजनी जायसवाल कुछ काम मांगने के सिलसिले में उनके कैंप में गया हुआ था, उस बात पे किसी बात को लेकर इनका झगड़ा व विवाद हुआ था, आवेदन उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था जिसकी जांच की जा रही थी। आज दिनांक को करीब 6:30 बजे अंजनी जायसवाल आके यह बताया कि वह जा रहा था अपने मामा के यहाँ कोई गमी के सिलसिले में, वहाँ अमलोरी पुल के ऊपर ये लोग मिले और इन लोगों ने उसी झगड़ा को लेकर रोका और मारपीट किया है। दोनों तरफ से झगड़ा होने की पुष्टि हुई, जिस पर दोनों तरफ से अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं, दोनों पक्षों को प्रतिबंधित किया है कि किसी प्रकार का भविष्य में झगड़ा ना करें और विधिवत विधि सम्मत कार्रवाइयां की जा रही हैं। ये विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट पर अंजनी जायसवाल, उसके भाई सुजीत जायसवाल एवं दो अन्य के विरुद्ध 341, 294, 323, 506, 34 कायम किया गया है और अंजनी की रिपोर्ट पर विश्वजीत सिंह, गब्बू सिंह और अन्य दो के खिलाफ 341, 294, 323, 506 सर इसमें गोली चलाने की भी बात आ रही सामने। फायर अब इसकी जांच की जाएगी, जो वो बता रहे हैं उस संबंध में विस्तृत अनुसंधान किया जाएगा। अंजनी कुमार जायसवाल है, हम जैन से अपना साइड देख के अमनोरी जा रहे थे मामा जी के घर पर, उसके बाद जैसे नवा नगर पुलिया हम चढ़ाई चढ़े हैं तो मतलब चढ़ के उतर रहे थे, इतने उधर से स्कॉर्पियो से विश्वजीत सिंह चला रहे थे PC पटेल वाले और उदय सिंह, गुड्डू सिंह धरना वाले बैठे थे बगल में, उसके पीछे वाले सीट उनके भाई बैठे थे, हम लोग जा रहे थे तो हमारे सामने आके स्कॉर्पियो लगा दिए, उतरे, उतरने के बाद फिर तुरंत वो
बात होने लगी, मतलब गाली गलौज करने लगी, तो क्या बात है? बोले तुम बहुत ज़्यादा होशियार बनते हो इस टाइप में। कहाँ उतर के उसके पीछे वाला जो भीखे उसका भाई है ब्रिजेश, वो मारने लगा, मार दिया गुड्डू सिंह। तुम्हारा तीन मतलब 3 साल से तुम्हारा हम देख रहे हैं भाव इधर उधर। हम बोले क्या होगा बताइए। बोले तुम बहुत बड़े चढ़ बढ़ गए हो। तो हमने क्या बात बताएंगे। इतने में उसका भाई पीछे से आया, मारने लगा। जब मारने लगा तो इतने में हम हमारे साथ में भाई भी था, तो वो उतरा। उतरने के बाद वो लगे मारने, तो हम इतना समझ नहीं पाए। इसके बाद फिर वो लोग अपना गाड़ी स्टार्ट किया, वो मतलब मारा, इसके बाद गाड़ी स्टार्ट किया, वो चल गया। इसके बाद हम फ़ोन किए अपने दो चार लोगों को, भाई भैया ऐसा ऐसा बात हो गया। तो वो लोग पहुँचे तो आगे बीच बचाव किए। फिर उन्होंने कुछ राहगीर भी वहाँ पर बीच बचाव किए। विवाद हमारा तो उनसे कुछ था ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं। तो इसके इनके मतलब हम अपने इनके यहाँ एक दो बार काम मांगने के लिए वहाँ पर गए, बातचीत हुआ था, लेकिन कहे ऐसा बात नहीं हुआ था। हमारा उदय नारायण सिंह से गुड्डू सिंह से कोई बात विवाद नहीं है। अच्छा, कोई मतलब ही नहीं है उनसे मेरा। अपना काम अभी हम अपना ट्रांसपोर्ट काम करते हैं। आज के बुलेटिन में इतने। बघेली खबर खातिर देखते रहिए अरविंद के बघेली समाचार। नमस्कार।